हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रास्ते आपसी सहमति से खोल देने चाहिए, यह कहना है हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला का। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते। किसान संगठनों को और किसान भाइयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इतना लंबा आंदोलन सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद भी चलाना उचित है क्या, और वो भी उस सरकार के खिलाफ, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक फसलों का सर्वाधिक मूल्य किसान को मिला हो, कभी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डीएपी यूरिया बीज की किल्लत नहीं आई हो, हर चीज़ समय पर किसान को उपलब्ध करवाना और नए नए तरीके की योजनाएं लेकर के किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान की आमदनी किस प्रकार से बढ़े, इस बात का विचार करने वाला प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में और दिल्ली के बॉर्डर पर कई स्थानों के ऊपर इस प्रकार की गतिविधियां रोड जाम करने की चली हुई हैं लगातार, और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हर किसान इस बात को जानता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, हम तुलना कर लें, इधर हरियाणा के पंजाब है, उधर हरियाणा के राजस्थान है, दो स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार 11-11 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदने का काम कर रही है, और पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार किस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न कर रही है सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सरसों की फसल, बाजरे की फसल किस भाव पर बिकती है, अगर बाजार के अंदर उसका भाव कम मिलता है तो भावांतर बर्बाद।